हेलो फ्रेंड्स, तो लास्ट व्लॉग कंटिन्यू करते हुए ट्यूलिप गार्डन के बाद हम लोग आए हैं अभी हॉलिम सिटी में। दिख रहा है आपको? और ये देखो भाई कितना सुंदर दिख रहा है। मतलब हम लोग अभी बस से घूम रहे थे तो ट्यूलिप गार्डन से हम लोग जब हॉलिम आए 30 to 35-40 मिनट्स लगे हमको। तब जब हम सिटी देख रहे थे बहुत ही सुंदर सिटी है, बहुत सुंदर। मतलब जो यहाँ पे हाउसेस हैं और जो ग्रीनरी है बहुत ही डिफरेंट है और बहुत ही मेस्मराइजिंग है। तो अभी और देखते हैं आगे क्या क्या है। सो लेट्स गो। लोग जहाँ पे हमको बस ने स्टॉप किया था जिस स्टेशन पे, वहाँ से अभी हम लोग 800 मीटर वॉक करके जा रहे हैं। एक चर्च है वहाँ पे। और ये देखो चलते चलते इतने मस्त लग रहे हैं बिल्डिंग्स वहाँ पे। मतलब फ्लैट सिस्टम नहीं है ज़्यादा, इंडिविजुअल हाउसेस हैं। और इंडिविजुअल हाउसेस भी जो है ना वो एक जैसे हैं। मतलब नो ब्राउन एंड वाइट बहुत ही प्यारे हैं। मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है ये सिटी। और यहाँ पे देखो भाई ये जो साइकिल के जो स्पेशल रोड है ना, ये मैं आपको बता दूँ कि एक टिप समझ लो ये आप अगर कभी एम्स्टरडैम आते हो तो, कि अगर ये रोड से आप लोग चले तो ये लोग आपको ठोक देंगे हैं, क्योंकि यहाँ पे साइकिल का बहुत कल्चर है। बहुत यहाँ पे रेंटेड साइकिल्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं और स्पेशल रोड्स होते हैं इनके लिए। तो ये देखो हर कोई आपको साइकिल 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 दिखाएंगे। ये देखो बच्चों को भी लेके साइकिल पे। तो गलती से भी इनके बीच में मत आ जाना, नहीं तो ये आपको ठोक देंगे। ऐसा सीन ना हमको वैनिस में मिला था, बट ये वैनिस से डिफरेंट है। तो ये देखो आपको चर्च दिख रहा है, ये सेंट बाओ चर्च। यहाँ पे हमको जाना है बट फिलहाल हमको दिख गया है सबवे और हमको लगी है बहुत जोर की भूख। और सबवे हमारे लिए बहुत कन्वीनियंट ऑप्शन है क्योंकि वहाँ पे वेजिटेरियन बहुत अच्छा मिलता है। तो हम लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं सबवे जाना अगर हम लोग कहीं बाहर घूमने गए हैं तो। सो लेट्स गो और कुछ अच्छा खाते हैं। क्या खाना है भाई? So my subway is ready। मैंने स्पाइसी वेगन पैटी लिया है और उसमें भर भर के वेजीज डाली है, चीज डाला है। इट्स लुक यम। आके देखते हैं। तो अब हम लोगों ने खा लिया है मस्त पेट भर के, और अब जाएंगे हम सेंट बाओ चर्च देखने। मैंने ऐसे सुना है कि दिस इज़ लाइक मतलब हम लोग जो
हमारा जो ऑफिस है वो टिलबर्ग में है, तो हम लोग टिलबर्ग में ही होटल में रहेंगे, सिटी होटल टिलबर्ग में, और एम्स्टर्डम भी घूमेंगे। तो मैंने ऐसा सुना है कि ये कॉम्बिनेशन है टिलबर्ग और एम्स्टर्डम का जो हमको बाद में घूमने के बाद पता चलेगा, और ये इन्फॉर्मेशन हमको विद्या से मिली है। Houses are very nice. यहाँ पे कितने का होगा एक हाउस रेंट पे? Any idea? No idea. यहाँ पे हम लोग फ्री जा सकते हैं कि टिकट है यहाँ पे अंदर जाने का? टिकट है। पूरी यूरो टिकट। अच्छा, तो जाते हैं, टिकट निकालते हैं। हाँ, व्हाट अ ब्यूटी मैन, व्हाट अ ब्यूटी, दिस इज लाइक अमेजिंग। हेलो, मैंने इतने कैथेड्रल्स देखे हैं, यू नो, बट दिस इज लाइक डिफरेंट यार, इट इज टोटली डिफरेंट, इट्स टू अमेजिंग। चलो अंदर भी देखते कैसा है ये, बट सी यहाँ पे होटल्स और घर, हर इसका आर्किटेक्चर और जो कलर एकदम सिमिलर है, एकदम सिमिलर। चलो अंदर जाते हैं, टिकट निकालते हैं। सी यहाँ पे 4 यूरोस एंट्रेंस टिकट है। क्या लिखा है यहाँ पे? प्लीज पे बाय कार्ड। ओके, क्या है ये यहाँ पे? ये जो छोटे छोटे चीजें होते हैं ना सोकेश सजाने के लिए, इस awesome. इतनी वैरायटी है कि वाव। ये देखो छोटे छोटे लैंप्स। तो हमने टिकट निकाल ली है, एंड नाउ लेट्स गो। ओह माय गॉड, ये जितना बाहर से सुंदर दिखता है ना, उससे ज्यादा अंदर से सुंदर है। बट आई कैन नॉट टॉक मोर। चर्च है, क्या पीस है यहाँ पे, नेक्स्ट लेवल पीस है। This is like candle structure. ये देखो यहाँ पे लिखा है कि ये कितने पुराने, मतलब नाम लगे रहते हैं ना, जैसे कि मंदिर मंदिर में नाम लगे रहते हैं, वैसे यहाँ पे भी नाम लगे हैं। और यहाँ पे हमको ईयर देखने को मिला, तो ये ईयर पता है 1578 से है, मतलब स्टार्टिंग, और एंडिंग यहाँ की 1915 तक। मतलब यू कैन इमेजिन हाउ ओल्ड दिस चर्च इज।
और उसमें हमको पूरी इंफॉर्मेशन दी है कि कौन से पिलर पे क्या है वगैरह पूरा चर्च का। तो वैसे वैसे हम लोग अभी देख रहे हैं। इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जिसमें हम एम्स्टर्डम सिटी कवर करेंगे। और लाइक शेयर कमेंट करने को भूलना मत, सब्सक्राइब करने को भूलना मत। सो मिलते हैं, बाय बाय।